दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की। आप लोगों ने ये तो सुना था कि हमारी कंट्री में 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो पूरी कंट्री उससे परेशान हुई, पर लेकिन विदेशों तक लोग परेशान है, ये आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि जो डिमोनेटाइजेशन का भूत है उसके द्वारा एक स्वीडिश पर्सनैलिटी को भी नुकसान पहुंचाया। हुआ क्या है, हमारी कंट्री में एक एक्ट है, ये एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017। तो ये एक्ट हमारी कंट्री में बनाया गया। इस एक्ट में कुछ प्रोविजन है, प्रोविजन क्या है कि किसी इंडिविजुअल के पास में 10 जो पीसेस हैं पुराने नोट के, अगर उससे ज्यादा होते हैं, और इसी के साथ में अगर कोई रिसर्च या स्टडी कर रहा है पुराने नोट्स के ऊपर, तो उन जिस जैसे आप लोग देखते हैं न्यूमिस्टिस्ट जो होते हैं जो इनके ऊपर स्टडी करते हैं, तो अगर उनके पास में 25 से ज्यादा अगर इस तरह की करेंसी पाई जाती है तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 10,000, या फिर जितनी उसके पास में करेंसी है उसका 5 गुना उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो यह है जो आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही क्राइटेरिया है। तो हुआ क्या, अभी इसके बारे में सुनिए। एक स्वीडन की पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए आई। अभी इससे पहले जो ये विजिट करने के लिए आई थी, ये 2014 में विजिट करने के लिए आई थी। 2014 में हमारी कंट्री में वो स्त्री करेंसी चलती थी जो कि इनके पास में थी। तो इंसान के पास में जो करेंसी रहती है तो इंसान ये सोचता है कि चलो यार फिर कभी आएंगे तो यूज हो जाएगा, तो ये करेंसी वापस लेकर चली गई। ठीक है, तो फिर जब अब रिटर्न ये हमारी कंट्री में आई तो 2017 में डिमोनेटाइजेशन हो गया। अब देखिए किस कंट्री में क्या चल रहा है, एक नॉर्मल उस कंट्री का सिटीजन इन सब चीजों पर गौर नहीं देता है कि हाँ डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये वो हो गया, कौन इतनी ज्यादा न्यूज़ पढ़ रहा है, आपको पता है कि स्वीडन में क्या चल रहा है, कौन सी करेंसी चल रही है। तो इस तरीके से इनके द्वारा ज्यादा इसके ऊपर फोकस भी नहीं किया गया और किसी रिलेटिव के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा इनको बताया भी नहीं गया। तो ये आई यहां पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो जैसे ही यहां पर आकर उतरी तो इनके पास में 50,000 के ये पुराने नोट थे, जिसमें मैक्सिमम 1,000 के और कुछ 500 के भी नोट थे। तो इनके ऊपर यहां पर इसका 5 गुना फाइन लगा दिया गया, यानी कि 2.5 लाख रुपए का इनके ऊपर फाइन लगा दिया गया। इनके द्वारा बोला भी गया कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से यहां पर कंट्री में ये हो चुका है, पर लेकिन देखिए रूल और रेगुलेशन है, अब देखते हैं इनको कोई छूट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो डिमोनेटाइजेशन इंडिया में नहीं विदेशों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है यहां पर, ये तो ये डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। और यहां पर स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर इस तरीके की चीजें हो रही है तो यूपीएससी ऐसी चीजें बड़ी जल्दी पकड़ती है, क्वेश्चन बन जाएगा बड़े अच्छे से। तो यहां पर जो नॉर्मल इंसान है इंडिविजुअल वो 10 नोट से ज्यादा नहीं रख सकता है, और जो वैसे अगर कोई स्टडी करने के लिए रखता है तो 25 नोट से अगर ज्यादा रखता है तो उसके ऊपर यहां पर फाइन लगेगा, ये वाला 10,000 या फिर उसका 5 गुना जितना उसके ऊपर जितना उसके पास में ये पर्टिकुलर करेंसी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो आज है संडे, संडे को होता है फंडे, फंडे के साथ में थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी भी कर लेना चाहिए। तो देखेंगे आज की क्या क्या हम लोग का शानदार यहाँ पर डिस्कशन करना है। इसी तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करते रहिए और खासकर अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिए। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज के इस डिस्कशन के अंदर, एक एक कर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। तो आइए, यहाँ पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैं कई बार आप लोगों से जिक्र करता हूँ कि पृथ्वी के अंदर से जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह निकाला जाता है, जब भी जहां से आप लोग तेल वगैरह हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो वहां से वो कच्चा तेल निकाला जाता है, पर लेकिन इन रिसोर्सेज का पता कैसे चलता है कि यहां पर कोयला है, यहां पर तेल है, तो उसके लिए यहां पर स्टडी की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर स्टडी की जाती है, पर लेकिन स्टडी भी इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बाहर की कंट्री जाकर आज के डेट में ये स्टडी नहीं कर रही होती है। तो इसका चक्कर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आखिर ये न्यूज में किस लिए है, न्यूज में यहां पर इसलिए है कि हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रीन नोट दे दिया गया है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ऑयल और गैस वगैरह अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कहां पर ऑयल है कहां पर गैस है, तो अब आप लोग कोई टेंशन लेने की यहां पर जरूरत नहीं है, आप लोग जाकर उसको चेक कर सकते हैं। पर लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा इसको वॉर्न किया गया है, क्योंकि देखिए जब आप लोग ये एक्टिविटी करते हैं जाकर चेक करते हैं तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आसपास वाले एरिया में इसका नुकसान पहुंचता है। समुद्र के अंदर अगर आप लोग जाकर ड्रिलिंग करेंगे और इस तरीके से एक्टिविटी आप लोग की देखने को मिलेगी, तो ओशियन में खासकर जो कोरल रीफ होते हैं और भी जो ओशन का जो एक अंदर का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो ये अलग अलग तरीके की ड्रिलिंग है, एक तो ऑनशोर ड्रिलिंग बोलते हैं और एक ऑफशोर। ऑनशोर जो होता है वो बेसिकली जमीन के ऊपर जब पूरा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा आप लोगों का रहता है कि मान लीजिए कोई एक जगह है जमीन का टुकड़ा और वहां पर लगता है कि नीचे यहां पर ये तो गैस वगैरह है या फिर पेट्रोलियम वगैरह निकल सकता है, तो एक ऐसा सिस्टम यहां पर रखा जाता है और चेक करने के लिए सैंपल निकालने के लिए यहां पर एक ड्रिलिंग की जाती है, जिसके बेस पर चेक करते हैं कि क्या यहां पर इस तरीके से कुछ अंदर निकलेगा इसके। तो जब ये ड्रिलिंग करते हैं यहां पर तो कई बार हल्की सी जो आसपास वाले एरिया में भूकंप टाइप की लहरें भी यहां पर फील की जाती है, तो यहां तक भी सिचुएशन खराब होती है। तो उसके बारे में जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो इसलिए परेशान है क्योंकि ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर पहले यहां पर अब तक ये होता था, अगर किसी को ऐसी ड्रिलिंग करनी है या ऐसे एनालिसिस करना है तो उसको यहां पर एक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता था, पर लेकिन अब वो प्रोसीजर से इसको नहीं गुजरना पड़ेगा।
प्रोसीजर क्या था, अगर आप लोगों को यहां पर किसी तरीके से एक्सप्लोर करना है, ऐसा सर्वे करना है कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कोई कहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, कहां पर गैस है, कहां पर ऑयल है, तो ये एक तरीके से स्क्रूटनी आती थी कैटेगरी ए के अंडर में। यहां पर एक इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आप लोगों को करना होता था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, EIA। क्या होता है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि अगर आप लोग के एरिया में आकर कोई यहां पर बोलता है कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कोयला है और हम लोग को खोदकर यहां से कोयला निकालना है, तो कोयला निकालने से उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वहां के लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वहां के जो बेसिकली एक एरिया है एनवायरमेंट यानी कि पानी या फिर जमीन या फिर एयर पोल्यूशन, क्या उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक पूरा असेसमेंट किया जाता है। तो वो असेसमेंट करने के बाद में फिर यहां पर आगे बढ़ा जाता है देखकर कि क्या जो आप लोग निकाल रहे हैं उसका फायदा यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है या फिर वहां से आप लोगों को लॉस ज्यादा है, तो वो देखना पड़ता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सही है, और अगर लॉस हो रहा है तो फिर वहां पर उसको रोक दिया जाता है, बोलते हैं कोई और तरीका आप लोग देखो। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद में सेंट्रल के द्वारा एक कमिटी जिसमें एक्सपर्ट हुआ करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और फिर वो क्या करते हैं लोकल एरिया पे भी वहां पर जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसको आगे लेकर चलना चाहिए, और तब जाकर उसको अलाउ किया जाता था। पर लेकिन अब यहां पर यह पूरा कोई भी पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर उनको लगता है कि यहां पर एनालिसिस करना है तो वो जाकर आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और यहां पर इसी के चलते जो इन्वायरमेंट लिस्ट है उनके द्वारा लगे कि ये गलत तरीका है। तो ये तो बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑनशोर और इसको बोलते हैं ऑफशोर। जब पानी के अंदर जाकर आप लोग इस तरीके से ड्रिलिंग करते हैं और वहां पर चेक करते हैं कि यहां पर तेल है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो इसको ऑफशोर बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को यहां पर आइडिया रखना है, ठीक है। तो यह है इसके बारे में, एक काफी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 26 जनवरी बहुत शानदार तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसी के चलते यहां पर यह प्रैक्टिस चल रही है, और यहां पर प्रैक्टिस ही वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप लोग देखते होंगे जिस तरीके से परेड होती है, एक एक इंसान का पैर देखेगा, एक एक इंसान की एक्टिविटी देखेगा, कितने शानदार तरीके से एक तालमेल में काम होता है, तो वो सारा प्रैक्टिस से ही होता है, और प्रैक्टिस ही आप लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर पहुंचाती है जहां से आप लोग समझ पाते हैं कि हाँ रियलिटी में एक सही डायरेक्शन में कुछ चीजें अच्छी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, जब आप लोग इसको देखेगा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जरूर देखेगा परेड। देखिए अपनी कंट्री के बारे में जानने का, अपनी कल्चर के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा मौका होता है, और भारतीय होने के नाते आप लोगों की यह ड्यूटी है कि आप लोग अपनी कंट्री की जो कल्चर है उसको सहज कर रखें और उसके बारे में जाने। तो इस तरीके से ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखेगा प्लीज आप। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, यह है इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है, अगर आप लोग देखेंगे पहले देखें जो ट्रेड होता था वो कहीं ना कहीं कम तो पहले भी होता था, ज्यादा अच्छा नहीं था, पर अब और भी लो लेवल पर यहां पर आ गया है। फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफी लो लेवल पर है, इसकी वजह से जो आसपास वाले एरिया में इनके बॉर्डर एरिया में पंजाब या पाकिस्तान की साइड में जो पंजाब है, तो वहां पर जो एरिया में जो ट्रेडर है या फिर जो कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, ये इस तरीके से जो और सारे जो भी यहां पर वर्कर वगैरह हैं, जो ढाबा वाला है, अगर ट्रक वगैरह वहां से जाते थे तो बहुत सारे ढाबे वाले थे जिनका वहां पर काम चलता था, उनकी जो डेली की जो एक तरीके से जिंदगी है वो काफी इंपैक्टेड हुई है इसकी वजह से। रीजन क्या है? रीजन ये है, दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है वो काफी लो लेवल पर आज के डेट में पहुंच चुका है। यहां पर हम लोग मिलियंस में बात करेंगे, पहले थोड़ा बिलियंस में हुआ करता था पर लेकिन अब मिलियन में यहां पर आ गया है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया से, तो 2018 में यहां पर इतना हुआ करता था, अभी यहां पर आकर ये इस लेवल पर पहुंच गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हमसे हमको बेचते थे, हमसे खरीदते भी थे, दोनों साइड से चीजें होती थी। हालांकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था पाकिस्तान के लिए, जो कि काफी कम हो गया है, पाकिस्तान से हम लोग कम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये आप लोग देखते हैं वैसे ही कम था, यहां पर 32 के करीब आप लोग यहां पर देखते हैं मिलियन डॉलर के करीब था, यहां पर देखते हैं तो, पर लेकिन आज के डेट में घटकर ये कहां आ चुका है, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, यानी कि ना के बराबर यहां पर बिल्कुल हो चुका है। और अगर हम लोग अपने एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आप लोग देखते हैं ये काफी अच्छा खासा था, जबकि यहां पर 32 मिलियन था इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट अगर आप लोग बात करें यहां पर ये तो यहां तक भी था, अगर पहले आप लोग इसको देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां तक हुआ करता था, पर लेकिन घटकर ये आज के डेट में यहां पर आ चुका है। जो रेड वाली लाइन है वो 2019 के लिए, जो वाली लाइन है वो 2018 के लिए, तो इसकी वजह से आसपास वाले एरिया पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए कुछ आता है इंटरनेशनल वाले इशू के अंदर में, तो आप लोग वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि इसकी वजह से दोनों कंट्री की इकोनॉमी और दोनों कंट्री के जो लोग हैं बॉर्डर एरिया में उनकी जो बेसिकली रोजी रोटी है उस पर काफी इंपैक्ट पड़ा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर काउंट कर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर उड़ीसा की साइड से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर पता होनी चाहिए। पहले आप लोग यहां पर ये देखें कि एग्जैक्टली उड़ीसा की लोकेशन क्या है। उड़ीसा में देखिए कई सारे रिलीजियस प्लेस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके चलते उड़ीसा के द्वारा यहां पर एक स्टेप उठाया गया है। उसमें क्या करेंगे यहां पर ये आने वाले टाइम में जल्दी ही यहां पर इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे लेवल पर यहां पर इसको डेवलप करने की बात यहां पर की जा रही है।
लोकेशन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में किस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उसको आप लोग एक बार समझ लीजिए। उड़ीसा में जो खासकर जो पुरी वाला एरिया है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, और 3500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे एक ऐसा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाने में, यानी कि टेम्पल्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, उसके आसपास का माहौल अच्छा बनाया जाएगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में इसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा सके, और खासकर जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी यहाँ पर इसको काउंट किया जा सके और लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो इसके चलते पर इसको और अच्छे से यहां पर डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ये प्लान है उड़ीसा का, और पूरी जो एरिया है, खासकर आप लोगों ने पूरी सन कोणार्क टेंपल के बारे में कई बार सुना होगा, ये उड़ीसा के रीजन में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आप लोगों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में जानेंगे, पहले हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। अगर कोई भी दवाई आप लोग मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप लोग दुकानदार से वो दवाई मांगते हैं उस पर एक्सपायरी डेट आप लोग देखा कीजिए। ये सबसे पहले आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों को ये देखना है अपनी हेल्थ अगर अच्छी रखनी है। दूसरा, अगर दवाई आप लोगों को खरीदनी है, किसी झोला छाप डॉक्टर से कभी भी दवाई न खरीदे, एक अच्छा खासा स्टोर अगर कोई है आसपास वाले एरिया में, खासकर अगर हॉस्पिटल के आसपास में या फिर कोई भी ऐसा जिसको आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं उससे ही आप लोग को यहां पर दवाइयां खरीदनी है। नेक्स्ट यहां पर जो इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए वो ये है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीडीएससीओ आप लोग बोलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्टडी की गई ड्रग्स और मेडिसिनल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स के ऊपर, और डिक्लेयर किया गया कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के यहां पर नहीं है। और कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग जैसे मान लीजिए एक ब्रांड की दवाई लेने जाते हैं, ये तो आप लोगों ने फील भी किया होगा, तो वो ये बोलता है इस वाले ब्रांड की नहीं है, दूसरे वाले ब्रांड की आप लोग ले लो। कभी भी ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर कोई ब्रांड की दवाई आप लोग लेना चाहते हैं, एक तो जेनरिक जो स्टोर है वहां से आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर किसी ब्रांड की दवाई चाहिए तो उसी की लेनी है, दूसरे की नहीं लेनी है। वो क्या करते हैं, देखिए उनके पास में ना लोग आते हैं जो खासकर अपनी दवाई बेचने के लिए, और उस वाले ब्रांड पर उनको डिस्काउंट मिलता है ज्यादा, तो इसलिए वो वाली दवाई रखते हैं। तो जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कंटेंट में भी कोई ना कोई एक अप टू द मार्क चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों के पास में दवाई नहीं है तो वो बोले कि इस ब्रांड की नहीं है, दूसरे ब्रांड की ले लो, ठीक है। यही सारी चीजें हैं उसमें भी, तो ऐसा नहीं करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये इस तरीके से भी यहां पर हरकतें देखने को मिलती हैं कि ये इस तरीके से पैसे ठगने की कोशिश की जाती है, ब्रांड का नाम लेकर कि ये ब्रांड की नहीं है वो ले लो, और वो गलत दवाई होती है, कई बार पता भी नहीं रहता है, ये भी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोगों की ही ड्यूटी है अपने जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए। अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग जो यहां पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब चीजों पर स्टडी करती है कि हमारी कंट्री में जो ड्रग्स है या फिर इक्विपमेंट है, जो दवाइयां हैं, वो किस लेवल की है। और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो यूरोप की एजेंसी है, जैसे कि इसी के साथ में जो अलग अलग कंट्री की एजेंसी है, जैसे यूएसए की एजेंसी है फूड एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी तरीके से हमारी कंट्री की एजेंसी है जो इस एरिया में काम करती है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इसी के साथ में PMDA जापान की मेडिसिन एजेंसी है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की मेडिकल एजेंसी है, तो इसी तरीके से ये हमारी कंट्री की एक मेडिकल एजेंसी है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में रेगुलेट करने का काम करती है, जिसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री के जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर ये बात की जा रही है क्या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन की साइड में बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, फिर से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आप लोग इसको समझ सकें। स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैगनेटेड इन्फ्लेशन, यानी कि ये दो टर्म से मिलकर यहां पर बना होता है, एक तो रुक चुकी है चीजें और दूसरा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो चुकी है। इसको आप लोग यहां से समझ सकते हैं, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब लगातार हाई इन्फ्लेशन हो यानी कि महंगाई हो, इसी के साथ में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो यानी कि बेरोजगारी हो, और इसी के साथ में स्टैग्नेंट यानी कि रुक चुकी हो मार्केट में डिमांड, यानी कि कोई कुछ खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस टाइम पर जो इकोनॉमी की हालत होती है उसको खस्ता हालत बोलते हैं, यानी कि ये वो हालत होती है जब इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है लगभग, और इस फेज में अगर किसी की इकोनॉमी चली जाती है तो फिर वहां से निकलना जो होता है वो काफी टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर इन्फ्लेशन की टर्म जो है इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं और इसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ आ जाता है यहां पर, इसमें फूड और एनर्जी के साथ साथ में जो भी और दूसरे आइटम है इन्फ्लेशन को काउंट करने के वो सारे आ जाते हैं, पर लेकिन कोर इन्फ्लेशन में यहां पर ये सारे आइटम नहीं आते हैं, खासकर फूड और एनर्जी, यानी कि कोर का मतलब होता है जो ज्यादा स्टेबल हो। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है यहां पर, ये ज्यादा है, अगर कोर इन्फ्लेशन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझिए इकोनॉमी की हालत वैसे ही खस्ता हो रखी है, उसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो कोर इन्फ्लेशन में चेंज हो रहा है तो फिर खतरा है। अभी हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन था वो काफी लार्ज स्केल पर पहुंच गया, 7 point something से भी ऊपर पहुंच गया, जबकि अगर आरबीआई के टारगेट की आप लोग बात करें तो 4 से लेके 6 के बीच, वो 2 से लेके
छह के बीच में यहां पर है, इनके 4 ± 2 का मार्जिन यहां पर दिया जाता है। तो ये हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन पहुंच चुका है काफी लार्ज स्केल पर पहुंच चुका है। और 2016 में हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको आप लोग MPC बोलते हैं, वो बनाई गई थी, जिसके बेस पर इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसकी वजह से, प्याज की वजह से और फूड आइटम की वजह से बहुत ऊपर पहुंच गया है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो महंगाई दर है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अब आर्टिकल को समझते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है कि अगर हम लोग स्टैग इन्फ्लेशन में पहुंच जाते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में सारे सेक्टर जो हैं वो खस्ता हालत में चल रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, या फिर दूसरे जो कोर सेक्टर वगैरह है उनकी बात कर लीजिए आप लोग, तो वो सारे लो लेवल पर काफी लार्ज स्केल पर चल रहे हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है वो 7.35 पर पहुंच गया है। और यहां पर जो इस तरीके से आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, वो भी 5 के लेवल पर हमारी कंट्री पर आ चुकी है, जो कि काफी लो लेवल आप लोग बोल सकते हैं। डिमांड जो है वो भी हमारी कंट्री में काफी आ रही है, और रेट कट जो है RBI घटा घटाकर यहां पर ला चुका है। तो ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी दे दी हैं, जिससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर किसी कंट्री में कोई सिचुएशन खराब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं वहां पर, कोई एक पर्टिकुलर चीज से खराब नहीं होता है। RBI का जो रेपो रेट है वो घट घटकर RBI 5.15 पर ला चुका है दिसंबर के महीने में, और अब देखते हैं फरवरी के महीने में यहां पर कितना रहना है। तो अक्टूबर से लेकर अब तक RBI के द्वारा इसको चेंज नहीं किया गया, जबकि जनवरी से लेकर ये 6.5 पे था और यहां पर घटा घटाकर इसको यहां पर लेकर चले आए। पर लेकिन अब यहां पर RBI के हाथ भी बन जाएंगे अगर यहां पर हम लोग चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, ऑलरेडी यहां पर इन्फ्लेशन काफी लार्ज स्केल पर है और लोगों के हाथ में अगर पैसा आता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है। नॉर्मल इकोनॉमी अगर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए आप लोगों की जैसे जॉब लग गई, तो जैसे आप लोगों की जॉब लगती है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लेकर आएगा, या फिर कोई और आइटम आप लोग खरीदेंगे मार्केट से जाकर। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट से आप लोग सामान खरीद रहे हैं, तो मार्केट से सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और उस तरीके से बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाए तो बहुत सारे लोग जाकर मार्केट से सामान खरीदेंगे, तो कई बार मार्केट में कमी पड़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस सामान का रेट बढ़ जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया। उस सामान का रेट बढ़ेगा तो उसको सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करने की वजह से यहां पर फिर उसका रेट जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो सप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, उसको फैक्ट्री में बनाया जाएगा, और फैक्ट्री में जो उसको बनाएंगे उसका मतलब वहां पर अगर ज्यादा डिमांड आ गई तो ज्यादा लोगों को काम पर उनको रखना पड़ेगा, तो इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये एक पूरी साइकिल होती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब जो इकोनॉमी है सही डायरेक्शन में जा रही है। पर लेकिन जॉब भी क्रिएट नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी हमारी कंट्री में नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर जो है इकोनॉमी वहां से निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब कि इकोनॉमी कीचड़ में फंस गई है भैया। अब यहां पर तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और जबकि लोग आज में पैसा भी नहीं है, खरीद भी नहीं रहे, तो इसके चलते यहां पर आप लोग देखते हैं कि इकोनॉमी को यहां से निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। इस लेवल पर इकोनॉमी का पहुंचना ये खतरे की घंटी आप लोग बोल सकते हैं। तो वही सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है, उन्हीं सब चीजों का यहां पर एक एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है कंप्लीट टॉपिक जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर बने डायरेक्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टैगफ्लेशन क्या है, कौन इसको यहां पर काउंट करता है, हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह किसके द्वारा तैयार की जाती है, और कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, इससे ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बन सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी कंट्री में आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो यहां पर इसके चेयरमैन होते हैं, और कौन है आज के डेट में गवर्नर वो तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए मुझे बता दीजिए, मैं भूल गया हूं कमेंट बॉक्स में, तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। मुझे एक छोटा सा एक इवेंट याद आ गया, मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने वैसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग बैठे बैठे, तो वो ज्यादा न्यूज वगैरह फोकस नहीं देता है, वो ये कि जॉब कर रहा है, अपनी जिंदगी को मजे में एंजॉय कर रहा है। तो मैंने बोला यार RBI के गवर्नर ने ये कर दिया इस तरीके से, तो 3-4 बार जब डिस्कशन हो गया तो उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो डी सुब्बा राव साहब थे। ठीक है, तो उस टाइम की डी सुब्बा राव नहीं, शायद आई थिंक नहीं डी सुब्बा राव साहब थे, डी सुब्बा राव साहब थे जो कि हमारी कंट्री में जो गवर्नर रहे हैं वो 2008 से लेकर 2013 तक गवर्नर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा न्यूज में पहले से इंटरेस्ट रहता था, मैं न्यूज वगैरह देखता रहता था, हालांकि तब तक मैंने जो प्रिपरेशन वगैरह ये सब चीजें स्टार्ट नहीं की थी, ये अलग टाइम की बात है। तो जब वो गवर्नर थे 2008 से लेकर 2013 तक वो गवर्नर रहे हैं, तो एक दिन पता नहीं क्या किसी चीज को अलग चीज को लेकर गुस्से में था, क्या चल रहा था, कह रहा कि ये डी सुब्बा राव है कौन, तू डेली डी सुब्बा राव के बारे में बात करते हो डेली, तुम ये डी सुब्बा राव है कौन मुझे ये बताओ आज। तो मतलब कि ये होता है कि देखो आप लोग ना अगर नॉर्मल डे बाय डे की लाइफ से आप लोग कनेक्ट नहीं रहते हैं इस तरीके से, मतलब कि चीजों को नहीं जान पाते हैं, तो एक अच्छे डिस्कशन में भी आप लोग किसी के साथ में नहीं जा पाएंगे, और आप लोग अपने आपको वहां पर ऐसा पाएंगे कि यार पता नहीं कि ऐसा लगे कि इसको कितना पता है, मुझे कुछ पता नहीं आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं
कि आप लोग अगर चीजों को जानोगे, अवेयर रहोगे, तो आप लोग आसपास के माहौल में जहां पर रह रहे हैं वहां पर आप लोग खुश भी रहना स्टार्ट हो जाओगे। तो कोशिश क्या करो कि कम से कम एक जिंदा इंसान होने के नाते ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आसपास एरिया में क्या चल रहा है। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, एक टीचर थे वो बोलते थे कि साफ रहा करो, नहाया धोया करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखा करो, क्योंकि कुत्ता भी अगर कहीं पर बैठता है ना तो पहले उसको पूंछ से साफ करता है तब जाकर वहां पर बैठता है। तो इस तरीके से हम तो इंसान है, कम से कम हम लोगों को कम से कम एक अच्छे तरीके से रहना है, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये बस एक छोटे सा इवेंट याद आ गया जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है कि क्या कोई स्टेट जो है वो सेंटर के लॉ को चैलेंज कर सकता है। ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ये हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको यहां पर क्या किया गया, केरला गवर्नमेंट के द्वारा उसको चैलेंज किया गया कि ये एक तरीके से सही नहीं है, और उसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए आर्टिकल 131 को लेकर, यानी कि 131 आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। 131 आर्टिकल क्या बोलते हैं, 131 आर्टिकल ये बोलते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी चीज को लेकर कोई लड़ाई है तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिशियल के अंदर आता है, यानी कि इस लड़ाई को ओनली सुप्रीम कोर्ट निपटा सकता है और कोई भी इस लड़ाई को नहीं निपटा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट अब यहां पर इसको सुनेगा। पर लेकिन इससे पहले क्या कोई लॉ नहीं हमारी कंट्री में? जी हाँ बिल्कुल है, हमारी कंट्री में दो लॉ है इससे पहले। एक तो 2011 का लॉ है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक तो ये लॉ है। दूसरा एक और है यहां पर जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेज स्टेट ऑफ, ये है यहां पर स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है, वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। तो ये टोटल मिलाकर ये तो 2011 का केस है और ये 2014 का केस है, पर लेकिन यहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। एक तो यहां पर ये बोला है कि अगर सेंटर कोई लॉ बनाता है, और सेंटर कोई लॉ बनाता है तो कहां बनाएगा, आप लोग इसको समझिए एक बार। सेंटर अगर कोई लॉ बनाता है तो हमारी कंट्री में तीन लिस्ट है 7th शेड्यूल के अंदर, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। हालांकि सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट आती है, दूसरे नंबर पर स्टेट, और तीसरे नंबर पर कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। पर लेकिन इसके बाद भी अगर कोई स्टेट सेटिस्फाई नहीं है तो यहां पर एक एक्ट तो यहां पर ये बोलता है कि उसको और स्टेट चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है, तो सेंटर वहां पर उसको बना सकता है। दूसरे लॉ में ये बोला गया कि उसको चेंज कर, उसको चैलेंज कर सकता है। अब यहां पर तीसरा जो अभी आप लोगों के सामने अभी लॉ आ रहा है, ये तीसरा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया 10 जनवरी से, अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे लेकर चलता है। सुप्रीम कोर्ट केस के लिए कोई नई बेंच बनाएगा, वो देखेगी कि क्या इस मैटर को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि एक बार हाँ हो चुकी है, एक बार ना हो चुकी है, अब यहां पर कौन सा सही है। आई थिंक ये डिसाइड करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है उस मैटर को ढंग से क्लैरिफाई करने के लिए। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट के साथ में अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैटर को कैसे लेकर चलता है और कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो काफी अच्छा पॉइंट आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कि वो इसका जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो यह इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है यहां पर, यह है रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में। आप लोगों को पता है रोहिंग्या कम्युनिटी जो है म्यांमार में काफी ज्यादा प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है, यानी कि उसको काफी ज्यादा मारा गया है, जो म्यांमार का रखाइन वाला स्टेट है वहां पर। तो ये जो कम्युनिटी है ये आज की डेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, पर लेकिन इस कम्युनिटी को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा ढंग से। अभी इसके चलते म्यांमार में अशांति होने की वजह से बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो वहां पर छोड़ छोड़ कर जा रही है कि म्यांमार में एक अच्छा माहौल नहीं है काम करने के लिए। तो जो कोई छोड़ता है तो दूसरे को वहां पर गैप मिल जाता है, तो गैप भरने के लिए खड़ा रहता है। तो चाइना उस गैप को भरने के लिए म्यांमार में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और अगर म्यांमार को आप लोग देखेंगे, हमारी कंट्री के लिए अगर आप लोग देखेंगे, हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारी कंट्री के बॉर्डर है जो म्यांमार के साथ में टच करते हैं। तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पड़ोस में अगर चाइना का इतना लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हमको भी इसका सोचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल इनके द्वारा यहां पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी की गई है। ठीक है, तो यह है आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर है ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। यहां पर ये बात की जा रही है ट्यूबर डाइन, जो ट्यूब जो टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके डायग्नोसिस के बारे में। हमारी कंट्री के द्वारा एक यहां पर एक डिवाइस डेवलप की गई है जिसको ट्रू नेट के नाम से आप लोग बोलिएगा। अगर आप लोगों से कोई पूछे एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रू नेट क्या है, ट्रू नेट एक डिवाइस है जो कि टीबी को ज्यादा एक्यूरेटली यहां पर पता लगा सकती है। अब तक जो डिवाइस थी वो यहां पर इतना एक्यूरेटली पता नहीं लगा पाती थी जितना ये लगा पाएगी। किसके द्वारा यहां पर यह डेवलप की गई है, गोवा बेस यहां पर यह है मोलबियो डायग्नोसिस करके एक कंपनी है जिसके द्वारा यहां पर इसको मोल बायो बोलेगा आप लोग इसको, यह डायग्नोसिस की कंपनी जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और यहां पर यह जो है बेसिकली
हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी यहां पर इसको एसेस किया है और इसकी वैलिडिटी पर ठप्पा लगा दिया गया है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेटली यहां पर काम करेगी। तो इसके चलते अब आने वाले टाइम में इसको यूज किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यहां पर यह, जो अब तक डिवाइस यहां पर मार्केट में हुआ करती थी उसके कंपेयर में ये सस्ती भी है। तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि वो नहीं कहते कि सस्ता और टिकाऊ आइटम होना चाहिए, तो ये वही है यहां पर जिसका नाम है ट्रूनेट। तो ट्रूनेट के बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। अब इसको कमर्शियलाइज करने के लिए यहां पर जो फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोसिस, जिसको फाइंड आप लोग बोलते हैं, वो हेल्प करेगी ट्रूनेट को कैसे कमर्शियलाइज किया जाना है। तो किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज किया जाए क्या, क्योंकि सस्ती डिवाइस अगर यहां पर अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में पहुंचते जो कि काफी गरीब माना जाता है, तो वहां पर ये काफी फायदा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोकल एरिया में पहुंचाती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। चाइना के अंदर एक बीमारी देखने को मिल रही है जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यहां पर कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस यहां पर एक बीमारी है जिसके बारे में हालांकि मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका था। देखिए संडे का जो न्यूज पेपर होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो हम लोग पूरे वीक में डिस्कस करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स उठाकर यहां पर रख देता है एक तरीके से, क्योंकि सबको पता है संडे में जो लोग हैं थोड़ा छुट्टी पर रहते हैं, ज्यादा चीजों को पढ़ने के मूड में नहीं रहते हैं। तो इसके चलते संडे में जो ज्यादा न्यूज जो है वो नई आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। मैक्सिमम जो न्यूज है पास्ट में, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये बताया जो केरला के बारे में, ये आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। स्टैगफ्लेशन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोग रेगुलरली अगर आप लोग यहां पर जो वीक पूरे वीक में अगर लोग डिस्कशन सुन रहे हैं, तो संडे के डिस्कशन में से आप लोग एक बार को नोट्स ना बनाने के आप लोग कर सकते हैं कि नोट्स ना बनाएं, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोग कहीं अर्जेंट काम पर जाना है तो आप लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं संडे के डिस्कशन को, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो चीजें वीक में ऑलरेडी कवर हो जाती है, एक तरह से रिविजन ज्यादा आप लोग यहां पर देखने को मिलता है संडे का जो डिस्कशन होता है, क्योंकि न्यूज पेपर वाले भी ये चीजें बखूबी समझते हैं और संडे को छुट्टी भी रहती है बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, तो उसके चलते भी यहां पर ज्यादा कोई काम नहीं होता है। तो वो सारे फैक्ट है जिसके चलते संडे में जो न्यूज है वो काफी रिपीटेडली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी एक फैक्ट आप लोग आइडिया रखिएगा कि अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम है तो संडे का अगर आप लोग डिस्कशन स्किप करना चाहें, हालांकि मैं बोलूंगा कम से कम नोट्स नहीं बनाना, सुन सकते हैं, आधे घंटे का रहता है घूमते फिरते सुन लिया कीजिए, क्योंकि रिविजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन अगर फिर भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो वो आप लोग अल्टरनेटिव में इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस जो है यहां पर चाइना के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। December 31st, 2019 में चाइना के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसा कुछ निमोनिया जैसी बीमारी यहां पर देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम निकल कर आई। वांग सिटी यहां पर ये वांग समिट आप लोगों को याद होगा, उसके चलते याद रखिएगा, इसकी यहां पर ये हुबी प्रोविंस है जहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। कोरोना वायरस जो है यहां पर ये लार्ज फैमिली वायरस यहां पर बोला जा रहा है, जो कि खासकर जो कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम वगैरह आप लोगों को हो जाता है ना, उसके चलते यहां पर जो डिसीज है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा SARS, जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसी के साथ में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके बारे में मैंने आप लोगों से नैनो मैगजीन में 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। रिविजन अगर कर रहे होंगे तो आप लोगों को बताऊंगा। ये जो बीमारी है ये नॉर्मली यहां पर देखने को मिलती है, तो ये जो यहां पर जो बीमारी है इसी तरीके की यहां पर ये कुछ आप लोगों को ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है ये यहां पर देखने को मिल रही है, पर इससे कुछ डिफरेंट है। तो 11/11 जो तारीख है जनवरी, अभी रिसेंटली यहां पर चाइना के द्वारा इससे रिलेटेड जो जीनोम सिक्वेंस डेटा था वो अभी शेयर किया गया, ग्लोबल इनिशिएटिव शेयरिंग ऑल जो इन्फ्लुएंजा डेटा होता है उसके साथ में, ताकि इसके ऊपर और ज्यादा स्टडी की जा सके और ज्यादा रिसर्च की जा सके और जो जो प्रॉब्लम यहां पर अभी देखने को मिल रही है उसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। तो ये भी यहां पर अभी के चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली, खासकर यूपीएससी के तो फेवरेट एरिया ही होते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है यूपीएससी। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है कि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है, और खासकर आप लोग कई बार देखते भी हैं कि हमारी कंट्री के नीचे लटका हुआ है छोटा सा श्रीलंका, ठीक है। तो यहां पर जो ये नीचे लटका हुआ है श्रीलंका, तो इसमें अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए और जो गवर्नमेंट चुनकर आई ये है गोटबिया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे। तो गोटबिया राजपक्षे जो है महिंदा राजपक्षे के भाई हैं, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं पर लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। गोटबिया राजपक्षे जो इनके छोटे भाई हैं वो अभी यहां पर प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो इन्हीं के हाथ में पूरी पावर है और हमारा पड़ोसी देश है, और इसी के साथ में इंडियन ओशियन के अंदर है, तो हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री की जो तमिलियन कम्युनिटी है जो कि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर ले जाई गई थी खासकर एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए, तो उसके चलते भी हमारे और इसके रिलेशन जो है थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज़ में है, ठीक है।
तो हमारी कंट्री के जो आज के में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो कि अजीत डोभाल साहब, ये श्रीलंका पहुंचे हुए तो यहां पर कोलंबो में इनके द्वारा बात की जा रही है गोटबिया राजपक्षे के साथ में। तो कई सारे मिलिट्री टाइज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से जो चाइना का डेट ट्रैप्ड है उससे यहां से बचा जा सकता है और हमारे रिलेशन कैसे और अच्छे लेवल पर हम लोग पहुंच सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस बेसिकली की जा रही है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है जो कि आज की डेट में तो खैर थोड़ा कम हो गया है, हमारी कंट्री के मछुआरे ये यहां पर श्रीलंका के मछुआरे हमारे यहां पर पकड़ लिए जाते थे बड़ी जल्दी जल्दी और उसको फिर ले जाके छोड़ते थे, एक पर्टिकुलर सेरेमनी होती थी। कई बार पाकिस्तान के साथ भी ऐसे होता है, ठीक है, पाकिस्तान हमारे मछुआरे पकड़ते हैं, हम पाकिस्तान के फिर जाकर मिलते हैं पूरे एक माहौल के साथ में, एक दूसरे के मछुआरों को छोड़ते हैं, उससे दिखता है कि रिलेशन थोड़े अच्छे हो रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी कई बार की जाती है। ये श्रीलंका के जो मछुआरे हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितने हमारी कंट्री के मछुआरे हैं, तो इसके चलते ये बोलते हैं कि हम लोग जो ट्रोलर यूज करते हैं ना, ट्रोलर एक तरीके की मशीन होती है जो नीचे तक ले जाकर यहां पर बहुत सारे मछली के बच्चे तक का जो छोटे छोटे उठाकर ले आता है सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके, जबकि श्रीलंका के पास में इतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो उसके चलते भी कई बार यहां पर श्रीलंका की जो यहां पर जो जो साइड से जो गवर्नमेंट है वो कई बार बोलती है कि ये गलत बात है, इस तरीके से आप लोग हमारी कंट्री के जो वो ले जाते हैं, हमारे मछुआरे के पास में इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, फिर भी यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तमाम कुछ बातें हैं जिनका आईडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर आप लोग कुछ एनवायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में चीजें लिख रहे हैं तो इस तरीके की पॉइंट भी आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर इसको बोलते हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और ये एक पॉइंट एक आप लोग यहां पर ये जो आप लोगों का जीएसटी का जो जीएस का पेपर है उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड टॉपिक भी देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन और जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के में पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काटकर डेवलपमेंट करें, कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं हम लोग कुछ और बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो उसके चलते जो जानवर हैं उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा शेर जो है वो जंगल से निकलकर गांव में आ गया, तो वो कंडीशन कई आप लोग समझ सकते हैं कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर उड़ीसा के अंदर अभी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है यहां पर कि दो लोगों की जान चली गई है जो एलिफेंट के द्वारा उनको मार दिया गया है, और अप्रैल से लेके मार्च तक का 2019 में अगर आप लोग यहां पर काउंट करेंगे ये टोटल मिलाकर 96 लोगों की यहां पर जान इस तरीके से यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हो चुका है, कैजुअलिटी यहां पर हो चुकी है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, तो ये बहुत बड़ा नंबर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि इतने ज्यादा लोग यहां पर 96 लोग यहां पर जान गंवा चुके हैं मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रखेगा कि ये इंसान के द्वारा जो मैनमेड डिजास्टर किए जा रहे हैं आज के डेट में एनवायरमेंट को ध्यान में न रखते हुए, तब जाकर ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अभी जो मैं आप लोगों से यहां से जो आप लोग से बात कर रहा था, अभी यहां से जो पानी के नीचे से जाकर जो यहां पर जो आप लोगों को ऑयल वगैरह या फिर गैस वगैरह निकालनी है, वो सारी एक्टिविटी जो आप लोगों को अभी मैं बता रहा था वो भी इसी एरिया का आप लोग मुद्दा बोल सकते हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर जैसे जलीकट्टू के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसी तरीके से यहां पर ये एक तरीके की बुल रेस ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है जिसको तमिलनाडु के अंदर में, नाम याद रखिएगा, लोकल नाम कई बार पूछे जाते हैं बड़े फेवरेट होते हैं, इसको बोला जा रहा है इरुथु विदुम विजा, ठीक है, तो ये इसका नाम है जो कि यहां पर देखने को मिलता है। एक तरीके से ये एक बुल रेस यहां पर आप लोगों के सामने नजर आ रही है, जलीकट्टू वाले एरिया में भी चीज देखने को मिलती है, कोई भी लोकल एरिया में कोई ऐसा इवेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो आप लोगों का स्टेट का एग्जाम है, तो वहां पर तो बड़ी जल्दी ऐसी चीजें पहुंचा जाती है जो पर्टिकुलर आपके एरिया पर फोकस होती है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़े ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और छोटी छोटी न्यूज है, यहाँ पर 2G सर्विस जो है वो फोन की स्टार्ट कर दी गई है जम्मू एंड कश्मीर में, अब कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जो सस्पेंड थी उसको स्टार्ट कर दिया गया, तो अच्छे से अब यहाँ पर सब आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी बड़ा इशू है, आप लोगों को पता है जेएनयू में क्या कंडीशन चल रही है, अब एक नया इशू निकल के आ रहा है कि आईआईटी दिल्ली जो है वो जेएनयू की फैकल्टी को अप्रोच कर रहा है कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो इससे क्या होगा जेएनयू जो फैकल्टी है तो जेएनयू में, मान लीजिए आईटी दिल्ली बोले कि हम लोग ज्यादा पैसे आप लोगों को दे रहे हैं, तो जेएनयू की फैकल्टी है जो कि जेएनयू के एक तरीके से जिसके वजह से जेएनयू में माना जाता है कि काफी अच्छी यहां पर माहौल है और बच्चे पढ़ते हैं अच्छा एक वो बनता है, तो उसके चलते वहां पर अगर क्वालिटी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी तो देखिए प्रॉब्लम निकल कर आएगी, पर लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर डिनाई किया गया कि उन्होंने किसी भी फैकल्टी को अप्रोच नहीं किया है, तो ये भी एक यहां पर जो न्यूज है जो कि एक अलग तरीके से अगर आप लोग देखें तो बड़ा इशू है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया की जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि खासकर वैसे ही कंट्रोवर्सी में वैसे न्यूज में उसकी फैकल्टी को भी वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो इस तरीके का भी मुद्दा यहां पर कहीं एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा डिग्रेड करने का काम करता है अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यहां पर घुस जाती है, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोग आज के डेट में यहां पर बोल सकते हैं।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और 11 बजे आप लोगों को यहाँ पर एक लेक्चर मिलने वाला है जो कि एक सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी कि कई सारी चीजें जो है टेलीग्राम पर शेयर की जाती है, आप लोगों की जो योजना है हिंदी वाली वो भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगता है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप लोग यहाँ पर मिल जाती है, और 1 लाख से ज्यादा मेंबर यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग कुछ भी मिस मत कीजिए। जो भी आप लोगों के पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यही एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और इसी के साथ में जो टेस्ट था वो आप लोगों का वो सैटरडे में मैंने करा ही दिया था, उसको एंजॉय करते रहिए। बाकी और क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें होगी तो उसके बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, इसमें पॉलिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पॉलिटी की जो नया एडिशन आया उसको डिस्कस करना है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया है कि सर उसको आप डिस्कस करा दीजिए, तो उसको हम लोग देखते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा करंट भी आप लोगों यहां पर मैं पॉलिटी का कवर कराऊंगा अभी जल्दी, जिसमें आप लोगों की सारी चीजें देखने को मिलेगी, खासकर कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से आर्टिकल्स वगैरह न्यूज में, तो कुछ ऐसी वीडियो भी आप लोगों की आ रही है जल्दी। तो अगर आप लोग चाहते हैं रियलिटी में इसको तो वाई लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं चाहते हैं कुछ और सजेशन है तो नो लिखकर आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक भी करना है और शेयर भी नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।